भाई अब देखना कितनी खरोंच दिख रही है यहाँ पे, ये देख। तो भाई हम लोग अस्मित को यहाँ लेके आए हैं क्योंकि और हेलो भाई लेट जाओ लेट जाओ, हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल दो भैया वहीं पे टाका लगा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी और हम जा रहे हैं अस्मित के यहाँ पे, उसका एक्सरे कराना है। वो बोल रहा था कि हमारे कमर में दर्द हो रही है, एक्सरे कराना है आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है फिर, और ऑटो से बुलाया था उसने। तो बस यार एक्सरे में कुछ बवाल ना निकला है, सेफ है सब कुछ, तो यार ठीक है वरना फिर दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा ही। तो चलो भाई अस्मित का कराते हैं एक्सरे और देखते हैं उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, जो भी दिक्कतें हैं सामने आ जाएंगी फटाक से, देखते हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और लाइक कर दीजिएगा। आ गए हैं भाई पियानी चुंगी पे, ऑटो से उतर लिए हैं, बस यहीं पे उतार देते हैं और आगे लाते भी नहीं हैं ऑटो ऑटो वाले। भाई आ गए हैं अस्मित के यहाँ पे, अभी इसको ले जाएंगे। और अस्मित के पास ये वाला फ़ोन था, ये टूट गया है एक्सीडेंट में, तो ये यहाँ पे देखो ऊपर कोने पे, अरे फोकस कर लो यार, ये देखो ऊपर टूटा है यहाँ पे, और ये लाइनिंग ऐसे बनी है यहाँ पे, ऐसे बीच से टूटा है, बाकी तो चलो बच गया है, क्या बताएं यार। भाई हमें मिल जाता ना अगर वो बाइक वाला वहीं मौके पर ना, मोकते उसको वहीं पे कंट्रोल, और एक्सीडेंट के बाद अस्मित उसकी बाइक उठवा रहे हैं। ये अस्मित क्या स्टोरी थी। अस्मित का एक्सीडेंट हुआ तुरंत, अस्मित ने उठ के उसकी पहले बाइक उठवाई, फिर अस्मित को बाद में रिलाइज हुआ कि हमारे ब्लड निकल रहा है पैर से। ये होता है यार, तुरंत नहीं मालूम पड़ता है। यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, यहाँ पे चुंगी से पहले यार। अच्छा निकल चुके हैं अभी एक्सरे कराने के लिए, साथ में है मेरे अर्नब, आगे ऑटो चला रहे हैं अर्नब जो कि आगे बैठे हुए। भाई अब देखना कितनी खरोंच दिख रही है यहाँ पे, ये देख कितनी ज़्यादा खरोंच दिख रही है इस पैर में, पूरा मतलब राइट साइड में गिरे हैं ना, टाका लगेगा। हाँ अब सही बैठा था। ये देखो भाई कांवड़ आ रही, बहुत भयंकर कांवड़ आ गई। तो भाई हम लोग अस्मित को यहाँ लेके आए हैं क्योंकि और कुछ समझ में आया नहीं, तो हम लोग सीधे यहीं आ गए, यही एक जानकारी में था। क्यों सकती भीड़ तो होगी यहाँ पे, लेकिन ठीक है यार, ये हड्डी वड्डी का है तो काम चल जाएगा यहाँ पे। ये सीन है भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो चलो चलो, हाँ अरे पैसे लेने हैं यार, भूली आ गए भाई। इससे सकती भाई ये है एक्सरे मशीन, इस पर अभी लिटाया जाएगा, और भीड़ तो बहुत है भाई यहाँ पे, बहुत भीड़ है भाई। चलो भाई लेट जाओ, हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एसी भी चल रहा है 20 नंबर पे, और अपना आराम से लिटा दो भाई। निकाल दो, ये भी निकाल दो भाई, उसने कहा था इधर पैर करने को, घूम जा घूम जा घूम जा, ऐसे घूम जा। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा और, वेरी गुड, हो गया भाई हो गया। चलो ऐसे लेटर हो, एसी की हवा खाओ, नहीं तो उसने कहा था पैर उधर करना है। हाँ वो रगड़ा लगा, उसको छुओ मत, क्या घुमा दे करवट, घूम जाओ भैया धीरे से घूमना, और घूम जाओ पूरा क्लियर, पैर मोड़ लो, पैर नहीं मोड़ लो भैया, वहीं पे टाका लगा है। हाँ नीचे ऊपर बढ़ो, अरे यार हम इसको बढ़ा रहे हैं, हाँ बस बस बस, हाँ आगे बढ़ जाओ उधर, अपनी वहाँ पे बीस मिनट बाद आराम से नीचे उतर आओ, आराम से आपका एक्सरे हो चुका है बहुत ही स्मूथली तरीके से, रसगुल्ला
रसगुल्ला बता रहे, बोल रहे रसगुल्ला बने बोले। तो भाई एक्स्ट्रा डन हो गया है, पैसा ऐसा नहीं नहीं गए, पैसा ले आना ले हमें का करना, हमें तो रिपोर्ट चाहिए। चल ओके तो भैया ये है एक्सरे की रिपोर्ट अस्मित की, और सब कुछ नॉर्मल निकला है, वेरी वेरी गुड। मज़ा आ गई, नॉर्मल है भाई सब कुछ, अस्मित नॉर्मल है, आर यू ओके नाउ फाइन? मेरा डॉक्टर नहीं बोलेगा। अच्छा तो उनको अपूर सर को भेजोगे? चलो गाइस अपने दोस्तों को एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो गाइस ऐसे है ये एक्सरा, अगर किसी को देखना आता हो तो कमेंट करके बताना अगर कोई डॉक्टर देख रहा तो भाई ये रहा एक्सरे, और अभी फिलहाल लोग घर आ गए हैं, और ये हमने सारा इसमें इनके ड्रेसिंग करने के लिए सामान ले लिया, इनकी ड्रेसिंग हम क्या करेंगे, पट्टी बांध के बढ़िया से, फालतू में ये बाहर से कराते हैं या जब हम कर ही सकते हैं तो हम ही कर देंगे, और क्या फिर पट्टी है, बैंडेज वगैरह हैं, कॉटन है और बीटाडीन है, सब कर देंगे। सोच रहे कि ड्रेसिंग कर दें, फास्ट रन को आना पड़ेगा वापस लौट के, तो अभी कर दे रहे हैं। चलो खोलो काटो, तुम काटो जॉइंट से काटो यहाँ से, काटो तो वही काट लो पहले। तो गाइस अभी मामा यहाँ सफाई करते हुए, और ये अश्विन दादा के पैर की सफाई करी जा रही है, काहे कूद रहे हो बच्चों की तरह हैं ज्यादा मजा आ रही है। तो गाइस हम निकल चुके हैं अस्मित के घर से, सामने जा रही है कांवड़ और भयंकर वाली, ये देखो ओ भाई इतने लोग, ये भाई गजब, ये देखो क्या मस्त डांस हो रहा है यहाँ पे, डांस ये देखो, ये देखो भाई, हमने अस्मित की ड्रेसिंग कर दी थी एंड उसमें थोड़ा सा मवाद आवाद बन रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया क्योंकि कल ठीक से ड्रेसिंग हो नहीं पाई थी, तो ये उसी का नतीजा था। पर हमने आपको ब्लॉग में ये सब नहीं दिखाया क्योंकि ये ठीक नहीं है, यूट्यूब भी नहीं अलाउ करता है सब, तो हमने नहीं दिखाया, इसलिए जल्दी जल्दी कर दी। अब चलते हैं घर पर, भैया वहाँ चलना उसका होटल, चलो होटल, हाँ भाई सरगुल्ला रोड वाला है, चलो ले लिए यार। ये देखो भाई यहाँ भी खूब ढेर सारी कांवड़ खड़ी हुई है, गांजा ये साइड में तो लटकाए हुए हैं, ये देखो नाश्ता वास्ता कर रहे हैं भाई यहाँ पे, ये देखो इतने सारे इधर और इधर भी यहाँ पे हैं, सिनेमा चौराहे पे। हेलो भाई साहब तगड़ा है, सब्सक्राइबर थे हमारा वर्ल्ड का जो हाथ जोड़ रहा था, ये देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी आ गए हैं घर पे, फिलहाल तो अभी मोहित के यहाँ बैठे हुए हैं, सीधे यहीं आए थे, और मोहित सामने नहा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ वरना यूट्यूब कहेगा नग्नता दिखा रहे हैं नहीं सही बात है और क्या यार यूट्यूब यार सच में हैट्स ऑफ टू यू। चलो भाई इसी से इस ब्लॉग में समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता दी। बेटा दर्द भाई, हाँ दो दिन मेरे टांगा खुले, हाँ आराम से इज्जत से तुम